हेलो गाइस, आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर क्या होता है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। देन हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद हम जो हायरार्की होती है वो पढ़ेंगे, बायनोमियल हायरार्की। देन हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है वैसे तो, लेकिन वो कई उसमें पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में, तो उसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट टॉपिक डिफाइनिंग फीचर क्या है। डिफाइनिंग फीचर मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग में एब्सेंट हो, यानी कि जो डिफाइन कर सके कि हाँ ये जो हम देख रहे हैं ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग। तो इट मीन्स वो किसी में तो प्रेजेंट और किसी में एब्सेंट होना चाहिए। तो हमने इस तरह के डिफाइनिंग फीचर्स बनाए हैं जो लिविंग में प्रेजेंट और नॉन लिविंग में एब्सेंट हो। सबसे पहले हमने 5 क्राइटेरिया लिए हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। इन 5 को हम स्टडी करेंगे एंड पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। सबसे पहला है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, सेल्स किस तरह से अरेंज हैं, उन किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हैं। अब अगर हम देखें किसी भी बुक में, टेबल में या पेंसिल में सेल्स होते हैं? नहीं, जो सेल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। इट मीन्स जो सेल है वो लिविंग में प्रेजेंट और नॉन लिविंग में एब्सेंट है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। बिकॉज हमने देखा डिफाइनिंग फीचर की बस ये 2 ही प्रॉपर्टी होती है कि वो लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और नॉन लिविंग में एब्सेंट, तभी वो एक डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। अगर हम सेकेंड हम देखें तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड मेटाबॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज। मेटाबॉलिज्म में हम देखें तो उसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। हमने देखा इसका मतलब था चेंज। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में अकर हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है, तो इसीलिए हमने ग्रीक वर्ड में मेटाबॉलिक का मतलब होता है चेंज। अब हम देखें जो हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है उसमें अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें इसको सबसे पहले, तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। हम देखें रेस्पिरेशन में उसमें हम ग्लूकोज को लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, हमें CO2 एंड H2O एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इट मीन्स हम इसमें बॉन्ड ब्रेकडाउन देख रहे हैं। जो ग्लूकोज था वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो गया। तो इस जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं। वही एनाबॉलिज्म रिएक्शन में जो बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O हमें ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एनाबॉलिज्म है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यही बॉन्ड ब्रेकडाउन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो रिएक्शंस होती हैं इन्हीं का सम टोटल मेटाबॉलिज्म होता है। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो इन वीवो भी हो सकती हैं और इन विट्रो भी, यानी कि वो बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं, इनसाइड द बॉडी, एंड वो इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती हैं। अब हमने पढ़ा है 10th क्लास में भी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होती है वो प्रोसेस। अगर हम देखें कोई भी टेस्ट ट्यूब है हम उसके अंदर कुछ भी मतलब आउटसाइड द बॉडी कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है। लेकिन वो जो सिस्टम है, जो टेस्ट ट्यूब है, वो तो हमारा लिविंग सिस्टम नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है। यानी कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा सेल फ्री होता है, उसमें सेल्स नहीं होते हैं। इट मीन्स वो जो सिस्टम है वो तो नॉन लिविंग है,
लेकिन जो उसके अंदर रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है। ये पॉइंट नोट करने का है कि जो हमारा इन विट्रो में सिस्टम है वो नॉन लिविंग है, वहीं जो रिएक्शन है वो लिविंग है।